तो राजकोट में ओबीसी महासभाना प्रतिनिधियों सम्मेलन 146 ज्ञातियों प्रतिनिधियों महाअधिवेशन ओबीसी वस्ती गणतरी करने मांग कर अलग अलग अनेक मांगणियों अंगे चर्चा थी। स्थानिक स्वराज्य की चूंटी में अनामत नाबूद करने मांग कराई है। तो 27% वस्ती प्रमाण में अनामत आप मांग कराई है। 10,000 करोड़ वेलफेर फंड फाड़वा मांगणी करवामां आवी छे। तो समाजना नामे मत लेता धारासभ्यो अने सांसदो लड़त चलावे तेवुं पण जणाववामां आव्युं। आगामी दिवसोमां दरेक जिल्लामां कार्यक्रमों योजवामां आवशे। तो आजे राजकोटमां ओबीसी महासभानुं महाअधिवेशन छे ते योजाई गयुं। राज्यभरमांथी 146 ज्ञातिना प्रतिनिधिनी उपस्थितिमां हकनी लड़ाई माटे चर्चा करवामां आवी। समाजना मतोथी चूंटायेला समाजनी मांग बुलंद बनावे तेवी तेवो निर्णय पण करवामां आव्यो। ईडब्ल्यूएस ने जे फंडिंग फाड़वामां आवे छे एमां अमारो कोई वांधो नथी, पण वर्षोथी जे पछात समाज छे एना माटे शिक्षण अने आरोग्य अने रोजगारी माटे जे जरूरियातो छे ए प्रमाणे एने फंडिंग करवामां आवतुं नथी, एमां अन्याય करવામાં આવે છે। तो 10,000 करोड़ वेलफेर फंड फाड़वामां आवे तो आप 54% वस्तीना जे पछात रही गयेला जे लोको छे एमना सुधी लाभो पहोंचाड़ी शकाय। आम तो जो अमारुं जे संगठन छे ई बेन राजकीय छे, दरेक पक्षना लोको छे, एमां कोईपण पक्षनी आमा कोई एवं नहीं कि भाजप कांग्रेस के आम आदमी के कोईपण पार्टी लोग ओबीसी संगठन माटे जोड़ाई सके छे। परंतु अमारी मांगणीओ संतोषकारक नहीं आवे तो भविष्य में आवड़ो मोटो जे ओबीसी समाज छे ये पोतानी ताकत देखाड़ी अने एना परिणामों सुधी पहोंचवानी कोशिश करशुं।